हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जसप्रीत कौर, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर रिवीजन। इन दिस वीडियो वी रिवाइज चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड चैप्टर इज MS Access 2010। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। MS Access is used to create tables and maintain records in database. MS Access में क्या है, हम tables create करते हैं और जो हमारे records होते हैं वो हम database में उनको maintain करते हैं। Suppose there are many columns in a table और हम क्या है, बहुत time लगा देते हैं particular data को और records को check करने के लिए। To solve this problem, MS Access has some more features like forms, queries and reports. These features helping in shortlisting the required information. जो हमारी required information होती है, important information होती है, उनको क्या है, shortlist में उनको create कर देते हैं। It also helps in linking two or more tables and display a consolidated information from all the selected tables. So this is the introduction of MS Access. Next is forms in MS Access. Forms are used to add, edit and display data from the tables in a user friendly manner. Students, form में हम क्या करते हैं, इसमें हम add करते हैं data, edit करते हैं और display करते हैं in the tables. There are three main views in which a form can display. Students, यहाँ पे three forms हैं। First is form view, second is design view, third is layout view. Form view में मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें data enter करते हैं, edit करते हैं और view करते हैं। Next है design view. Design view is used to adjust the design of your form. ये क्या, हमारे form का जो design है उसे set करता है। It gives you a more detailed view structure form such as header detail and footer section. इसमें क्या है, हम header and footer insert कर सकते हैं और ये क्या, हमारे table को एक attractive view देता है। Next is layout view. It is used to change appearance and size of various controls of a form. There are some types of forms. First is multiple item, second is data sheet, third is split form, fourth is model dialog. Students, ये आपने अपनी बुक में से रीड करने हैं अच्छे से। बुक वर्क में स्टूडेंट्स आपने टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं आप। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ, लिस्ट्स एंड टेबल इन HTML। इसमें हम स्टूडेंट्स क्रिएटिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास अबाउट HTML. वी हैड यूज्ड वेरियस HTML टैग्स टू क्रिएट अ वेब पेज। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम मोर फीचर्स ऑफ HTML लाइक क्रिएटिंग लिस्ट एंड टेबल। फर्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट। A list is a collection of related items. This feature helps us to prevent the information in an organized manner. There are three types of list. First is order list, second is unordered list, and last third is definition list. These three lists are used to display items in the form of list. First is order list. Order list is also called a number list. Order list को क्या, हम also number list भी कहते हैं। It is used to display the items in sequential manner. For example, uppercase letters, lowercase letters, अपर केस रोमन नंबर, लोअर केस रोमन नंबर, नंबर्स। नेक्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट इसे कहते हैं. इट इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसके थ्री स्टाइल्स हैं स्टूडेंट्स, डिस्क, सर्कल, स्क्वेयर. स्टूडेंट्स हमने इसमें बुलेटेड स्टाइल यूज किया है HTML में. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क बुलेटेड लिस्ट. स्टूडेंट्स आपने क्रिएटिंग टेबल में TR, TD, कैप्शन, TH इनकी डेफिनेशंस और फुल फॉर्म्स अच्छे से लर्न करनी है. देर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. बॉर्डर, बॉर्डर कलर, फ्रेम्स, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, हाइट एंड विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग. स्टूडेंट्स आपने इनकी डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करनी है. बुक वर्क में आपने टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं.